जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंथ क्लास का सबसे वीवीआई टॉपिक, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मजा नहीं आ जाए तो फिर कमेंट में बता देना कि सर मजा नहीं आया। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सिर्फ यह नहीं कि सिर्फ टेंथ क्लास के बच्चे ही वीडियो को देख सकते हैं, यह ट्वेल्थ के लिए बहुत कामगार होगा। चाहे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाई के लिए करके ही नहीं पढ़ा जाता है, बायोलॉजी एक ज्ञान के लिए जो आपको आगे चल के बहुत काम दे, उसके सोच के भी हम क्या करते हैं बच्चों, बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो आज पढ़ना सबसे वीवीआई टॉपिक मानव मस्तिष्क, यानी मानव का ब्रेन जो है कैसे कार्य करती है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप तैयार है ना। दूसरा बात कि अगर इस वीडियो को, इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बगल में घंटे हो उसको प्रेस कर देना। प्रेस करने के मतलब उसको दबा देना, जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो को अगर बच्चों हम डालेंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो जाएगी और इसको बारीकी से आप देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, आपका टाइम बहुत कीमती है तो उसको मैं बिना बकवास के सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो पिछले वीडियो में देखे थे हम, पढ़ रहे हैं हम लोग लेसन 5, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसको इंग्लिश से बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण और समन्वय में देखे थे कि प्लांट को नियंत्रण और समन्वय में, नियंत्रण मैंने कंट्रोल करना, समन्वय मतलब सुचारू रूप से चलाना, मैंने ठीक ढंग से चलाने के लिए उसमें सिर्फ हार्मोन पाए जा रहे थे। किसमें सर? प्लांट में, मतलब पौधे में, मतलब पेड़ पौधे में। लेकिन जो बड़े जीव है, जीव जंतु है, जानवर है, हम है, मतलब मनुष्य है, इसकी बॉडी को ठीक से चलाने के लिए इसमें देखे थे कि एक मस्तिष्क होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो यहां से नीचे तक गई हुई रहती है, और दूसरा है जो हार्मोन होता है। यानी तीनों मिलके क्या करता है बच्चों, मनुष्य को चलाता है, मतलब सही ढंग से कंट्रोल और सुचारू रूप से चलाने के काम करता है। कौन कौन? मस्तिष्क, हार्मोन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जू, शायद मेरुरज्जू ही बोलते हैं, मेरुरज्जू। ये करता क्या है? तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में कि ब्रेन जो है क्या होती है, इसकी कितनी भाग होती है, कैसे कार्य करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए मस्तिष्क को, बोर्ड पे आप मत ध्यान दीजिए, पहले चीजों को समझिए, और चीज बायोलॉजी रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ये नहीं कि बोर्ड पर लिख दिए, लिखा लिखे को देख देख के समझा दें, एक भी समझ में नहीं आई। बात को समझिए और उसके बाद आपको समझने उतारने के लिए हम लिखे, ताकि क्या करिए वीडियो को रोक के हम साइड हो जाएंगे, वीडियो को रोक के क्या करना है इसको आराम से नोट को पेपर बना देना है। इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज करने में सहूलियत होगी, आसान होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज पढ़ना है बच्चों? मस्तिष्क मतलब ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन को आप देखिए एकदम बहुत बारीकी से, हम अपना ब्रेन को देखिए। इस ब्रेन को देख रहे ऊपर सबसे पहले एक खोपड़ी, इस खोपड़ी एक हड्डी से का हुआ है कि मतलब बंधी हुई है, मतलब हड्डी के अंदर ही हमारा मस्तिष्क होती है। सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं क्या चाहिए? खोपड़ी। खोपड़ी के हमने बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कपाल, ऐसे हमने बोलते हैं कपार, लेकिन शुद्ध में इसको बोलते हैं कपाल। ठीक है ना, तो कपाल जो है इससे, इसके अंदर एक झील। तो सबसे पहले एक हड्डी है, इसमें हमारे मस्तिष्क में 12 हड्डी होते हैं। तो सवाल पूछे कभी कभी कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितने हड्डी पाए जाते हैं, आंसर मारना 12। लेकिन बच्चों ये हड्डी जो है, इस हड्डी को क्या कहते हैं? इस हड्डी को हिंदी में बोलते हैं कपाल, और ये हड्डी को बोलते हैं जो झांपी हुई हड्डी, इस हड्डी को बोलते हैं क्रेनियम, क्रेनियम, क्रेनियम। तो सवाल करेगा कि हमारा मस्तिष्क जो है किस हड्डी के अंदर छिपी हुई है, चाहे सेपरेट रखी हुई है, आंसर टिक करना बच्चों, क्रेनियम। ठीक है, अब क्रेनियम के अंदर आ जाइए, मान ली मस्तिष्क थोड़ा सा अंदर आ जाइए, तो अंदर इसके बाद जाएंगे तो एक झिल्ली होती है, और उस झिल्ली के कहते हैं बच्चों मेनिनजिज झिल्ली, मेनिनजिज, मेनिनजिज। उस झिल्ली के अंदर एक द्रव होती है, और फिर द्रव के बाद है जो हमारा मस्तिष्क सेपरेट रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे सवाल अगर करे कि हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है किस हड्डी के अंदर रहता है, आराम से मानना क्रेनियम।
किस झिल्ली के अंदर आता है? मेनिंजीज। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेनिंजीज झिल्ली आपकी खराब होती है, उसमें अगर किसी कारणवश उस झिल्ली में सूजन आ जाती है, तो आपको एक गंभीर बीमारी धरेगा। उस बीमारी का नाम है मेनिंजाइटिस, जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार। मेनिंजाइटिस जिसे बोलते हैं दिमागी बुखार। ठीक है तक? अब चलिए दूसरा पॉइंट से भी सोचे कि जो हमारा मस्तिष्क है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, बिना वजन के रहेगा यार? वजन है, इसका वजन होता है 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच, नहीं 1350 ग्राम से 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। ये हर व्यक्ति को, हर किसी मुताबिक, लेकिन एवरेज से 1350 से 1400। अब किलो पूछेगा तो 1.4 की जो ऑप्शन आएगा सी, अगर मैटिंग में पूछेगा कुछ 1.4 के जी। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक देखें, वो पॉइंट को वही समझाएं, देखिए नीचे सबसे नीचे कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 से 1400 ग्राम, अगर किलो में पूछे 1.4 के जी। फिर पूछेगा कि हमारा मस्तिष्क जो है किस हड्डी से ढकी हुई है, तो आंसर मानना क्रेनियम हड्डी। ठीक है, अगर पूछे कि मस्तिष्क में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, आंसर टिक करना है मेनिंजीज। अगर मेनिंजीज में सूजन आ जाएगा तो आपको धर लगा मेनिंजाइटिस, इससे क्या होता है दिमागी बुखार कहते हैं, और बुखार हमारा मस्तिष्क पर चढ़ जाता है जिससे व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। ध्यान तक समझे? इसके बाद चलिए मस्तिष्क को देखते हैं बच्चों। तो मस्तिष्क को आप बांटते हैं कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है और मस्तिष्क जो है कैसे कार्य करती है। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूछे कि मस्तिष्क को यानी ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, आंसर टिक करना बच्चों तीन भाग में। पहला अग्र मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जो बीच बीच होता है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और होता है पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। फिर से देखिए, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क इंग्लिश में बोलते हैं मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बारीकी से समझते हैं तीनों को, चलिए इसको समझाते ताकि बेटर समझ पाए। तो सबसे पहले देखिए, अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन, सबसे पहले समझते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है तीन भाग में, पहला को बोलते हैं सेरिब्रम, जिसे हम प्राम मस्तिष्क से ना के परम मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क को बांटा गया तीन भाग में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का थी अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तीन भाग में। सेरिब्रम जिसे बोलते हैं प्राम मस्तिष्क, सेरिब्रम का दूसरा नाम है प्राम मस्तिष्क, दूसरा क्या है थैलेमस, और तीसरा क्या है बच्चों? हाइपोथैलेमस। बारीकी समझिए, तो सेरिब्रम को बोलते हैं प्राम मस्तिष्क, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह पूरे दिमाग का, पूरे मस्तिष्क का अकेले 66% पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, और 66% के मतलब 2/3 भाग। तो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, आंसर टिक करना सेरिब्रम। कितना? सेरिब्रम का दूसरा नाम क्या है? आराम से मानना, प्राम मस्तिष्क। तो सेरिब्रम जो है हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये अकेले 66% पाई जाती है। ठीक है, सेरिब्रम करता क्या है? इससे अगर सेरिब्रम अगर हमारे पास रहेगा तो इससे क्या होता है, ज्ञान, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको सेरिब्रम ज्यादा विकसित रहेगा बच्चों, तो आप तुरंत इसको याद कर सकते हैं। तो ज्ञान, बुद्धि, चतुराई, स्मरण, किसी को याद करने की इच्छा, डर, भय, चिंता, यानी जितना भी बुद्धि वाला काम है, सोचना, समझना, प्रेम, हर्ष, स्मरण, को जिसको याद करना, सोचना, समझना, ज्ञान, बुद्धि, सब सब जितना भी है बच्चों, ये सेरिब्रम का काम है। तो पूछेगा कि सोचने और समझने को जो है नियंत्रण हमारा मस्तिष्क कौन करता है, आंसर टिक करना सेरिब्रम। ठीक है ना, देखिए ढेर के सेरिब्रम क्या होता है बच्चों, के ढेर के सेरिब्रम दम कमजोर रहता है, 6 बार पढ़ रहा, 10 बार पढ़ रहा, उसको याद नहीं हो रहा। स्टूडेंट लाइफ में बच्चों सेरिब्रम का बरियार होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेरिब्रम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर सेरिब्रम आपको ठीक है, तो कोई भी वीडियो चाहे कोई भी जब बुक पढ़िएगा तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। और अगर सेरिब्रम आपको कमजोर है तो आप याद करते रहे लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होगी। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में आपका सेरिब्रम को बरियार होना बहुत जरूरी है। तो सेरिब्रम करता क्या है? सेरिब्रम को सोचना,
समझना, इच्छा, कोई चीज को याद करना, चिंता करना, यानी जो भी चीज करता है, सोचना, समझना, याद करना किसी को, ये सब श्री ब्रह्म के काम है। अगर श्री ब्रह्म आपको कमजोर रहेगा तो एक व्यक्ति को भी नहीं चिन्ह पाइएगा। कोई व्यक्ति आएगा तो उसको इसे देखेंगे तो कहेंगे कौन है, इसे देखेंगे, ओहो आप है, ओ पापा है। फिर देखो यार आदमी चिन्ह ना पाइएगा, ओ ये पहिलकी है, समझ रहे हैं ना, सीरियस मत लेना, वो ये पहिलकी है, मतलब भुला जाइएगा, पता नहीं कि पहिलकी है कि दूसरी है, गया वाली है कि पटना वाली है, पता नहीं चलेगा आपको, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब बच्चों, आपको श्री ब्रह्म अगर कमजोर रहेगी तो आप उसको याद करिए, याद नहीं होगा, यानी कि याद करने की काम कौन करता है बच्चों, श्री ब्रह्म, ठीक है ना। दूसरा है थैलेमस, तो वही लिखे यहां कि श्री ब्रह्म क्या करता है, श्री ब्रह्म का दूसरा नाम परामस्तिष्क, यह सबसे बड़ा होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है श्री ब्रह्म, अकेले 66% या 2/3 भाग होता है, ज्ञान बुद्धि सोचना समझना इच्छा स्मरण शक्ति मन किसी को याद करना, प्रेम मन किसी से हम प्रेम कर रहे हैं वो माइंड में बैठ गया है बाप, भय मन डर हर्ष कष्ट चिंता इच्छा ये सब करता है श्री ब्रह्म, ठीक है ना। थैलेमस देखिए क्या करता है, थैलेमस क्या करता है कि बाहरी ज्ञान को बताता है। बाहरी ज्ञान क्या होता है सर, बाहरी ज्ञान क्या होती है, तो जो भी बाहरी ज्ञान होता है उस ज्ञान को बताता है बच्चों थैलेमस। बाहरी ज्ञान मतलब सर जैसे बाहर ऐसे खूब ठंडा लग रहा है तो इससे थैलेमस बताए भी नहीं करेगा कि ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रहा है, तो आप ठंडा के टाइम में चादर नहीं ओढ़िएगा, ऐसा ही बैठा सूता में, तो बाहर से ठंडा बाहर से खूब गर्म लग रहा है, मान लीजिए ठंडा में हम आग ताप रहे हैं और वो बाहर से जो गर्म लग रहा है पता नहीं चल रहा है, थैलेमस बता ही नहीं रहा है, आग तापते रहिएगा पूरा शर्ट पैंट जल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। ठंडा गर्मी दर्द कोई मार रहा है डुके डुके मार रहा है, एक फैट दे दिया एकदम सीधे ऐसे, समझ रहे हैं ना, और जब एक फैट आपको दे दिया थैलेमस आपको काम नहीं कर रहा है तो आप नहीं बता सकते हैं कि चोट लग रहा है कि नहीं। जैसे अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उसका बच्चों थैलेमस काम नहीं करता है। देखिएगा जिसको जो दारू पी लिया रात को मारिए खूब गिर उड़ के ठेवना वगैरह फोड़ लिया उसको कुछ रोबे नहीं करे, उसको चोट लग भी नहीं करता, लेकिन जब सुबह होगा तो उसको देखिएगा उसको पूछाएगा कि अरे बाप थैलेमस काम करने लगता सुबह, तो देखते बाप रोपे ने दर्द दे रहा है उन्हें दर्द दे रहा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों समझ पाए कि बाहर से कोई मार रहे बाहर ठंडा लग रहा है बाहर कितना गर्मी लग रहा है, यानी बाहरी ज्ञान बाहर से जो भी होता है कोई चूटी काट ले रहा है ये सब थैलेमस बताता है, बात समझ पाए ना। आइए हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है कि यह जो है यह ताप नियंत्रण करता है, आंतरिक चीजों को बताता है, थैलेमस बाहरी लेकिन हाइपोथैलेमस अंदर वाला, अंदर खूब गर्मी लग रहा है प्यास लग रहा है अंदर से भूख लग रहा है, समझ रहे ना, हमको प्रेम करने की अंदर से इच्छा जग रहा है बॉडी में, दिमाग जो है यहां पर इसको याद करता है उसको याद रखता है कि उसमें प्रेम है, लेकिन अंदर से जो प्रेम किसी करने की जो जरूरत होती है इच्छा ये सब हाइपोथैलेमस करता है। अंदर ताप है जो अगर खूब गर्मी लग रहा है तो अंदर बॉडी पूरा हीट हो गया है तो क्या करेगा कि पसेना के रूप में पानी, पसेना के रूप में पानी उगा कर देगा बाहर कर देगा जब उसे ज्यादा गर्मी लगेगा, तो आंतरिक ताप को नियंत्रण करता है, अंदर से खूब भूख लगल है, अंदर से खूब भूख लगल है तो ये हाइपोथैलेमस बताता है, प्यास लगल है कसके पेशाब लगल है टॉयलेट जाना है ये सब बच्चों हाइपोथैलेमस बताता है, माने आंतरिक चीज के कोई भी इंडिकेटर जो देता है ये हाइपोथैलेमस देता है। नींद आ रहा है पूरा नींद आ रहा है अंदर से ना कि ना पूरा हमको नींद आ रहा है हाइपोथैलेमस बताता है। प्रेम अगर किसी को करना है प्रेम करने की इच्छा जगाता है कौन ये याद रखता है ध्यान दीजिए प्रेम यहां लिखे हैं याद रखता है लेकिन इच्छा जगाता है बच्चों हाइपोथैलेमस। इसलिए एक्टिव स्टूडेंट लाइफ में है हाइपोथैलेमस को एक्टिव रहना बहुत गलत बात है क्यों क्योंकि जैसा ही हाइपोथैलेमस एक्टिव रहेगा तो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस रहने से क्या होगा आपको प्रेम होगा प्रेम का मतलब लाल पियर कर लगिएगा लाल पियर समझ रहे हैं ना लाल पियर का मतलब मान लीजिए आप दूसरा बात कि बॉय में जो है हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है बॉय का मतलब लड़का में हाइपोथैलेमस जो है ज्यादा एक्टिव रहती है इस पर पता नहीं क्यों बना दिए और गर्ल में जो है हाइपोथैलेमस कम एक्टिव होता है जिसके कारण देखिएगा अगर बॉय क्या करता है
कि अगर कोई गर्ल पार हो रही पार्षद ऐसे खड़ा है ना तो उसको दम पूरा मुड़ के देखेगा, अगर कुछ खाऊ रहा है चाय वगैरह पी रहा है ना तो चाय वाय छोड़ के ऐसे देखेगा। कौन? वाय, क्योंकि वाय में हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन लड़कियां वैसे नहीं करती उतना, रहता है कम करता है। इसलिए अगर स्टूडेंट लाइफ में आप हैं, टेंथ क्लास में है, तो आपको क्या करना है बच्चों, हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने वाले पदार्थ का सेवन कम करना है। ऐसे रहते एक्टिव ज्यादा होता कैसे है, गर्म चीज खाएगा तो लहसुन प्याज मीट मछली ये सब ज्यादा खाने से क्या होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तुरंत आप कर लेंगे लाल पियर, लाल पियर समझ में आ रहा ना, तुरंत हरियर दंड भाग लगेगा। जैसे ही हरियर दंड भागेगा आपको बच्चों जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब देखिएगा, साधु वगैरह मुर्गा मछली मीट नहीं खाते, क्यों? क्योंकि जैसे ही मुर्गा मछली खाएगा वो तो उसको हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, उसको नहीं उनको, सॉरी उनको, क्योंकि साधु है तो उनको बोलना बहुत मेरा कर्तव्य बनता है। जैसे ही वो लहसुन प्याज सब खाएंगे मुर्गा मछली तो उनको हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो तुरंत उस साधु नहीं आसाराम की गिनती में आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से समझे हम कि आंतरिक गुणों को बताता है कौन, हाइपोथैलेमस। मुर्गा मछली ज्यादा खाएगा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, जिससे कहा कि आप हरियाली में फंस जाइएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि मुर्गा मछली नहीं खानी। आइए मध मस्तिष्क, वही लिखे हैं, थैलेमस क्या करता है, बाहरी ज्ञान को बताता है, ठंडा गर्मी दर्द माप मार रहा है बाहर से जो वही बताता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह ताप को नियंत्रण करता है, मतलब ताप को कंट्रोल करता है, अगर ज्यादा अंदर गर्मी है तो उसको बाहर निकाल देगा। आंतरिक ज्ञान देता है, आंतरिक मतलब अंदर वाला ज्ञान देता है, तापमान को कंट्रोल करता है, भूख प्यास नींद गुस्सा प्रेम ये सब बताता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, बाहरी वाला थैलेमस, अंदर वाला भाग हाइपोथैलेमस, सोचने समझने की शक्ति सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। आइए हम मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क, अगर किसी को हम देख रहे हैं तो देखना और सुनना, देखना और सुनना, जैसे आप वीडियो को आप देख रहे हैं कि नहीं, तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपको दिखाने का काम कर रहा है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। आप जो बोल रहे हैं उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है आपको, मध्य मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां से देखें कि देखने और सुनने का नियंत्रण कौन करता है, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। मान ली किसी को देख रहे हैं मध्य मस्तिष्क कामे ने कर रहा है, फिर वहीं आ रहा है, फिर देख रहे हैं से ओ आप है, ओ आप पुरानिकी है ना, पुरानिकी है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, आंख देखा देखने के बाद मस्तिष्क में गया सेरिब्रम, फिर सेरिब्रम उसको सोचा ओ हो ये पुरानिकी है, पहले वाले है, यहां वाले नहीं है, दूसरा ठावा वाले है। समझ रहे ना बात, कहने का मतलब बच्चों हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर देखने और समझने अगर मध्य मस्तिष्क आपको ठीक ढंग से नियंत्रण नहीं करेगा तो किसी चीज को बढ़िया से नहीं देख पाइएगा, और जैसे बढ़िया से नहीं देख पाएगा तो मध्य सेरिब्रम उसको फिर सोचे कैसे कि कौन वस्तु है। ये सिर्फ याद रखता ना किसी को, लेकिन देखेगा तो यही, यहां से आंख लग ले आंख देखा देखने के बाद मस्तिष्क भेजता है, मस्तिष्क को समझता है कि हाँ पुराने की है कि नहीं की है कि पहले की है। चले इसको तक मजाक है, तक लेना ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। तो देखने और सुनने का जो नियंत्रण करता है कौन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब हमको देखना बच्चे पक्ष मस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलता है हिंड ब्रेन। पक्ष मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हिंड ब्रेन। देखिए क्या करता है, पक्ष मस्तिष्क को बांटा गया दो भाग में, एक बोलते हैं सेरिबेलम और दूसरा को बोलते हैं मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। पक्ष मस्तिष्क को दो भाग में बांटे हैं, एक बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिब्रम, यहां सेरिब्रम है और यहां सेरिबेलम है, सेरिब्रम और सेरिब्रम, सेरिबेलम और सेरिब्रम में अंतर है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क को बांटा है, लेकिन सेरिबेलम जो है बच्चों पक्ष मस्तिष्क को बांटे। तो देखिए सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम जो है ऐच्छिक गतियां को नियंत्रण करता है। सेरिब्रम सेरिबेलम ब्रम नहीं सेरिबेलम ऐच्छिक गतियां को नियंत्रित करता है। ऐसे ऐच्छिक गतियां क्या होती है, ऐच्छिक मन होता है, ऐच्छिक गति मन वैसा गति जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है उस गति को हम ऐच्छिक गति कहते हैं। सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव की ऐच्छिक गति क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक गति है, ऐच्छिक गति फिर समझिए वैसा गति जो हमारे इच्छा से होता है, मन है तो की है, नहीं मन है तो नहीं की। एग्जाम्पल हाथ पर ऐसे हिला रहे हैं, हाथ से हम मार्कर को पकड़ ले, मैं बोल पा रहा हूं, जीव है जो है ऊपर नीचे हो रहा, मुंह ऊपर नीचे हो रहा, मैं ऐसे ऐसे चल पा रहा हूं, मेरा पैर आगे पीछे हो रहा है, ये मेरी ऐच्छिक गतियां हैं।
क्यों सर? क्योंकि हमको मन है तो चलेंगे, नहीं मन है तो नहीं चलेंगे। बोले के मन है तो बोल रहे, नहीं मन कर रहे तो हम बोल देंगे बुला जी का बरियारी, नहीं बुला सकते। मेरा मन है, मेरा इच्छा है तो हम बोल रहे हैं। तो बोलना, चलना, हाँ पैर को आगे बढ़ाना, हाथ पैर हिलाना, ये सब बच्चों हमारी अच्छी गतियां। तो अगर आपको सिरी बेलम अगर खराब हो जाएगा तो आप ठीक ढंग से नहीं चल पाइएगा, किसको इसको इस कलम इसको आप पकड़ नहीं पाइएगा ठीक ढंग से। बोलिएगा तो जीव लड़ा खड़ा ही लेगा, इसका मतलब बच्चों सिरी बेलम जो है आपको ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। जब कोई व्यक्ति दारू पी लेता है तो यहां तो देखे कि बाहर से कूट रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है, जितना कुटाई करना कुटाई कर सकते उसको पता नहीं चलेगा। दूसरा कि जब वो दारू व्यक्ति पी लेता है तो उसका सेरिबेलम भी काम नहीं करता है, और जब सेरिबेलम नहीं काम करेगा तो पी के टगल चलेगा ऐसे वैसे, समझ रहे ना, हम रोल कर दिए ठीक है, वो टगल चलेगा ऐसे ही। इसका मतलब बच्चों उसका सेरिबेलम नियंत्रण बॉडी को नहीं कर पा रहा, क्योंकि सेरिबेलम करता क्या है, चलना, हाथ हिलाना, जीव हिलाना, जीव मन ऊपर नीचे करना, बोलना, यदि पूरा जो ऐसे ऐसे इच्छा का मतलब मुड़ी ऐसे ऐसे हिला रहे, हमारा इच्छा तो हिला रहे, नहीं मन करेगा तो नहीं हिलावे। ये सब बच्चों ऐच्छिक गतियां है, तो ऐच्छिक गतियां को नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम। तो सवाल कहेगा कि हाथ पैर हिलना हमारे मस्तिष्क का कौन भाग नियंत्रण करता है, आंसर ठीक करना बच्चों सेरिबेलम। चले ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे आइए। यहां है दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा ई का करता है कि अनैच्छिक गतियां को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक, ऐच्छिक माने मन है ता इच्छा के अनुसार होता है उसको ऐच्छिक, अनैच्छिक माने तोरी इच्छा से नहीं अपन माने हो जाएगा। जैसे उल्टी आना जिसको बोलते हैं इंग्लिश वोमेटिंग, जब वोमेटिंग होती है बच्चों तो आपकी इच्छा से होती है, आपकी इच्छा से होती है नहीं, वो अनैच्छिक है। दिल धड़क रहा है तो समझ रहे हैं मेरा दिल धड़क रहा है धक धक, इच्छा से होता है नहीं। सांस ले रहे हैं श्वसन दर, श्वसन दर कभी कभी मान लो कुछ डरा जाएंगे, कभी कभी मुंह सूख लेगा, धड़कन बढ़ जाएगा, आंख एकदम ऐसे मतलब पूरा लार टपके लगेगा, आपको इच्छा से नहीं होती है। कोई खटाई देखे चाहे कुछ कुछ देखे तो लार टपके लगा, ये आपकी इच्छा से नहीं होती है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को बच्चों कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हृदय धड़कना धक धक मार रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो वही लिखे हैं छींकना, हाँ छींक आ जाता है, मारते हैं छाया से और एक निकाल के फेंकते हैं कटोरा बाहर, ये आपकी इच्छा से नहीं होती है, अनैच्छिक है मैंने आपकी बिना इच्छा के अनुसार होती है। छींकना मैंने छींक रहे हैं वो भी आप बिना इच्छा के अनुसार होता है। उल्टी वोमेटिंग रक्तचाप श्वसन गति तेज कभी कभी तेज हो जाती है, ये आपकी इच्छा से नहीं होती है। मेरी प्यारे बच्चों यहां तक देख लिए, यहां देखिए कुछ हम बताए हैं, दूसरा बताए थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। देखिए मस्तिष्क था, मस्तिष्क से क्या होता है, देखिए इसमें मस्तिष्क सबसे ऊपरी जो भाग है इसको हम बोल रहे हैं, इस भाग को बोल रहे हैं खोपड़ी, ये खोपड़िया को बोलते हैं हिंदी में कपाल, हड़िया को बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है। इसके अंदर एक झिल्ली होती है, झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजियल झिल्ली, और झिल्ली के अंदर जो है हमारे मस्तिष्क होती है। मेरे प्यारे बच्चों हमारा मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है, मतलब 90% तंत्रिका तंत्र यानी 95% तंत्रिका तंत्र से ही हमारा मस्तिष्क बनी हुई है। कल कभी देखे होंगे, दूसरा बात की इसमें जो है तंत्रिका तंत्र जो है इसमें विकास करने की क्षमता नहीं होती, विकास मतलब पुनः निर्माण माने कट गया छट गया तब फिर से नया नहीं बनेगा, किसमें, तंत्रिका तंत्र में। जिसके कारण बच्चों आप देखे होंगे कि पुलिस वगैरह जो है कहते हैं कि अगर जब भी बाइक चलाते हैं, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा हेमलेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हेमलेट का इस्तेमाल नहीं करिएगा तो अगर किसी प्रकार चोट लग जाएगी अंदर तो इसमें सेल रिपेयर मतलब सेल फिर से नया कोशिकाएं नहीं बनती है। तो जब अंदर से कुछ भी तरह से चोट लग जाएगा, नस में एक भी नस अगर फट गई अंदर मस्तिष्क के अंदर तो फिर से नया सेल उसमें नहीं आएगा। मान लीजिए हाथ पैर इसमें अगर कटती है तो फिर से नया रिपेयर हो जाता है, फिर से नया मांस आ जाती है, फिर से नया मांस भरा जाता है, लेकिन अगर मस्तिष्क में कट गया छट गया अंदर तो फिर से नया सेल नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए जब भी कभी सफर करें तो सिर्फ दिखावटी के लिए हेमलेट का यूज ना करें, अपने सेपरेट के लिए जब भी कभी यात्रा करें टूर पर जाएं बाइक से जाएं तो हेमलेट का यूज अवश्य करें। चलिए यहां तक देख लिए, तो
इसके बाद देखिए इसको हम शॉर्ट रिवाइज करते हैं ऐसे, इसको बताना है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क में कैसे काम करता है, इसको मस्तिष्क एक दिन फिगर पाएंगे संरचना से पूरा फिगर दिखाएंगे। देखिए ऐसे याद दिख रहा होगा, इसको समझाने की कोशिश हम कर रहे थे और सोचे कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए वीडियो को स्टॉप करेंगे, इसके हम अगले वीडियो में बताएंगे स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड सबसे वीवीआई है, स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़े नसें होती है, मस्तिष्क के हमारे कितने जोड़े नस निकलती है, हम कैसे अब ऑपरेशन होता है तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलित रहता है लेकिन उसको बच्चेदानी जाती, बच्चा जो है पेट चीर के बच्चा को निकाल दिया जाता है और व्यक्ति बोल रहा है और रोता नहीं है, ऐसे क्यों होता है, उसका सुई कहां दिया जाता है और व्यक्ति को दर्द क्यों नहीं होता है, इसके बारे में पता चलेगा जब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे तब इसके क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन यहां तक पढ़े पूरा इसको शॉर्ट रिवीजन करते। देखिए मस्तिष्क 1350 से 1400 ग्राम किलो पूछा गया, 1.4 ग्राम किलो मस्तिष्क जो है हमारे क्रेनियम हड्डी से ढकी हुई है, यहाँ देखिए मस्तिष्क मेनिंजीज झिल्ली से ढकी हुई है, मेनिंजीज में अगर सूजन आता है तो एक बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस, इसको बोलते हैं दिमागी बुखार जो सबसे तेज बुखार हो जाता है। ब्रेन को बांटा गया 3 भाग में, पहला को बोलते हैं अगर मस्तिष्क, दूसरा को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरा को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, अगर को बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य को बोलते हैं मिड ब्रेन, पश्च को बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है ना। अगर मस्तिष्क को बांटा गया 3 भाग में, पहला को बोलते सेरिब्रम, दूसरा के थैलेमस, तीसरा के हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम को दूसरा नाम है परामस्तिष्क, यह सबसे बड़ा भाग है, यह अकेले 66% चाहे 2/3 भाग पाया जाता है, इसमें ज्ञान जितना भी हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि, सोचना, समझना, इच्छा, स्मरण माने किसी को याद करना, स्मरण शक्ति, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, चिंता, इच्छा, यानी जितना भी सोचने समझने के काम करता है सेरिब्रम। बाहर से कोई मार रहा है, पीट रहा है, बाहर से गर्मी लग रहा है, बाहर से कितना ठंडा लग रहा है, बाहर से कोई चुट्टी काट रहा है, इस सब बताता है थैलेमस। मार दे तो बाहर से दर्द दे रहा है कि नहीं, सब थैलेमस बताता है। दारू पी लीजिएगा तब थैलेमस काम नहीं करता है, जिस कारण कोई भी अगर मारता है चाहे कोई चोट लगता है तो आपको पता नहीं होगा, मतलब दर्द नहीं होगी। हाइपोथैलेमस क्या करता है सर, ये आंतरिक बातों को बताता है, यह ताप नियंत्रण करता है, आंतरिक ज्ञान बताता है, तापमान को मैंने कंट्रोल करता है, अगर ज्यादा गर्मी है तो पसीना के बाद से बाहर निकल जाएगा, भूख लग ले, पेशाब लग ले, प्यास लग ले, नींद आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी को अगर प्रेम करना है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, कब, जब ज्यादा मुर्गा मछली और लहसुन प्याज खाइएगा तभी एक्टिव हो जाती है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, किसको देखना और सुनने को काम कर नियंत्रण करता है, देखने और सुनने का नियंत्रण कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। बहुत फास्ट बोल रहे हैं सर, शॉर्ट रिविजन करा रहे हैं ना। मध्य अति पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन क्या करता है, इसको बांटा है 2 भाग में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है, अच्छी गतियां को नियंत्रित करता है, जिसमें चलना, हाथ हिलाना, जीभ हिलाना, बोलना, मुड़ी हिलाना, ये सब अच्छी गति है, बोले थे ना अपन मन से करेंगे तो अच्छी गति, और दूसरा के मन से होगा बिना इच्छा से होगा अनैच्छी। अगर इसको परिभाषा लिखना है तो यहाँ पर तो नहीं दिखा सकते ना, ये सब परिभाषा एकदम बारीकी से क्लास में लिखा जाता है, क्योंकि वहां पर टाइम रहता ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ना, परिभाषा कहने लिख। मेडुला ऑब्लोंगेटा में अनैच्छी गतियां होती है, छिकना, छिकते जो उल्टी करना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, श्वसन गति, सांस लेने की तेजी बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक पढ़ें, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे रहता है, इसलिए कमेंट जरूर करें, एक सवाल पूछ रहे हैं आपको कमेंट में देना है, आप आंसर देते नहीं यार, मेरा दिल टूट जाता है, आप कमेंट क्यों नहीं देते आंसर, आंसर दीजिए, देखिए दीजिए आंसर दीजिए। तो सवाल है कि हमारा मस्तिष्क किस झिल्ली से ढकी हुई होती है, कौन झिल्ली से ढकी हुई होती है, हमारा मस्तिष्क जो है बच्चों कौन सा झिल्ली से ढकी हुई होती है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट के इंतजार आता है।